और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई क्रूड कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल लगातार सस्ता हो रहा है। आज पेट्रोल के रेट में 13 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 11 पैसे प्रति लीटर की बड़ी गिरावट आई है। पेट्रोल के प्राइस कम होने से हमारी डे टू डे लाइफ में बजट थोड़ा कम होगा और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे डॉलर टर्म्स में नीचे आए हैं, तो उसका इफेक्ट आ रहा है जो पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस में। बाकी वैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं मिला, तो एक्सेप्ट फॉर साइकोलॉजिकल एक वो आपको मिलता है कि हाँ जी पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं उनके प्राइसेस भी कम होंगे। राहत तो है, नो डाउट अबाउट। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक गर्मी भी है, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्राइस कम होगा तो अच्छा है। बट दूसरे स्तर पे देखें तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में बड़ा हादसा हुआ। रेलवे लाइन पर खड़े यात्री राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे 4 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये यात्री गर्मी की वजह से अवध एक्सप्रेस से उतरकर रेलवे लाइन पर खड़े थे, तभी वहां से राजधानी एक्सप्रेस गुजरी, जिसकी चपेट में आकर 4 यात्रियों की मौत हो गई।